अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एंड्री व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो आज का ये व्लॉग जो सा है, इसमें मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा था, मैं सुबह का गया हुआ था उधर अपनी गाड़ी के जो काम करवा रहा हूँ वहाँ पे। तो उधर मैंने कुछ वीडियो क्लिप्स शूट किए थे ताकि मैं आप लोगों से भी शेयर कर सकूँ कि उधर मैंने क्या क्या गाड़ी का काम करवाया, क्योंकि आप लोगों को कल मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था जो गाड़ी की सूरत हाल थी। गाड़ी का अगला पिछला बम्पर उतरवाया हुआ था। बम्पर में जैसे मैंने आपको बताया था कुछ एक्सीडेंट्स हुए थे, तो उनको रिपेयर वगैरह करवाया। रिपेयर करवा के देन फिर बम्पर तो लगवा ली है, बम्पर तो गाड़ी को लग गए, लेकिन अब ये है कि उनकी हालत बहुत गैर हुई है, कलर उनका सारा उतर गया हुआ है रिपेयरिंग के बाद। तो अब ये है कि उन बम्पर्स को पेंट करवाना था, तो बम्पर को पेंट करवाना था। साथ एक मेरा गाड़ी का जो उनसे ना राइट साइड के बैक डोर के नीचे जो उनसे पैनल होता है, वो पैनल में डेंट पड़ा हुआ था काफ़ी अर्सा पहले का। तो मैं कहा चलो लगे हाथ उस डेंट को भी हम लोग निकलवा के और साथ उधर भी हम लोग अपना पेंट करवा लेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी की सूरत हाल, कैसे कैसे वो काम कर रहे हैं और किस तरह से उन्होंने पुटीन लगाई है, पहले पुटीन के कौन सी लेयर लगाई है, देन दूसरी कौन सी लेयर लगाई है। और तो चलिए आपको दिखाता हूँ और किस तरीके से गाड़ी को रिपेयर करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को गाड़ी को पेंट होता हुआ भी दिखाऊंगा कि किस तरह से वो लोग पेंट करते हैं आपके बम्पर्स वगैरह। तो चलिए चलते हैं कार के। जी दोस्तों, तो ये आप लोग देख सकते हैं बम्पर्स तो रिपेयर हो गए। बम्पर रिपेयर करने के बाद ना इन्होंने ये जो आपको स्किन कलर के ऊपर बम्पर के ऊपर निशान नज़र आ रहे हैं ना, ये पटीन है। ये पटीन पूरे बम्पर पर लगाई है, जहाँ जहाँ पर बम्पर थोड़े बहुत डैमेज थे वहाँ वहाँ पर। और उसके बाद पटीन लगाने के बाद जब वो सूख जाती है, देन फिर ये मतलब ज़ीरो नंबर का शायद रेगमार होता है, उसको पानी के साथ रगड़ते हैं तो ताकि वो पटीन प्रॉपर आपके कलर के साथ मैच कर दे, लाइक कोई अप एंड डाउन या कोई इस तरह की चीज़ ना हो, कल को पेंट हो तो वो नज़र आए। तो बड़ा अच्छे तरीके से काम करते हैं, जिस तरह मैंने आपको दिखाया अभी यहाँ पर ये पटीन लगा रहे थे। ये बैक बम्पर की हालत थी, बैक बम्पर में यहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा लगी हुई, यहाँ पे आके कल्टस हिट हुई थी, तो वो फिर उन्होंने सारा सेट कर दिया। जी दोस्तों, तो ये है वो ग्लैसो प्लस की उनकी यूज़ कर रहे हैं। ये आपको मैं दिखाता हूँ खोल के, पटीन को कहा जाता है। तो ये इनके लिए पहले इन्होंने ये इसकी लेयर लगाई है और फिर दूसरी लेयर लगाई है। तो ये देखें किस तरह देख रहे हैं, ये इन्होंने पहले तीन चार दफ़ा लेयर लगा के देन इनको फिर लेवल कर रहे हैं। ये तो यहाँ अब ये देन पैनल का ऐसा है कि ये आज तक हमारे मिस्ट्री रहे हमारी पूरी फैमिली में कि ये डेंट किससे पड़ा है, ना ये डेंट मुझसे पड़ा है, ना ये डेंट बाइक से पड़ा है, ना अबू कहते हैं कि मुझसे पड़े। तो हम भी नहीं चलाने वाले हैं, तो अभी तक ये मिस्ट्री है कि कौन मारता है डेंट के लिए, कौन मिस्ट्री किसने डाला है, किसने नहीं डाला। खैर तो ये है कि ये सूख गया, तीन अब देखें सूखने के बाद ये उतार रहे हैं। तो अब ये है कि उतारने के बाद इसको प्रॉपर से रोक मार के, आपने को पहले मैंने वीडियो भी दिखाया है प्रॉपर से इसको भी देखभाल मारेंगे। देन दोबारा जब ये हो जाएगा फिर इसके ऊपर एक और पटीन की लेयर लगाते हैं, ये जो ग्रे कलर की होती है। उसकी मैं अनफॉर्चुनेटली वीडियो नहीं बना सका क्योंकि बिल्कुल उफ्तारी का टाइम हो गया था, तो मुझे जाना पड़ गया था। तो लेकिन उन्होंने वो लेयर लगाई है। तो चलिए मैं आपको बैक साइड की गाड़ी दिखाता हूँ। ये देखें ये बैक साइड जहाँ पर लेयर ग्रीन लगी है वहाँ पर प्रॉपर इसको रगड़ के साफ कर रहे हैं, सारी पटीन ऑलमोस्ट उतर जाती है, जस्ट जहाँ पर थोड़ा सा डैमेज होता है ना उस जगह पर लगी जाती है, बाकी सारी उतर जाएगी।